जयललिता के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाते नजर आ सकती हैं कंगना रनौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज लाइव और आपके संग मैं रूपाली सिंह। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंगना ने बताया है कि ये कोई बायोपिक फिल्म नहीं होगी बल्कि एक पॉलिटिकल पीरियड ड्रामा मूवी होगी। कंगना ने बताया है कि कई जाने माने चेहरे उनके इस अपकमिंग फिल्म का हिस्सा होंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म थलावी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में कंगना दिग्गज एक्ट्रेस और राजनेता जयललिता का किरदार निभाती नजर आएंगी। फिल्म का अभी ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ है और इसी बीच ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि कंगना अपनी अपकमिंग मूवी में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाते नजर आ सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंगना ने कहा कि ये कोई बायोपिक फिल्म नहीं होगी बल्कि एक पॉलिटिकल पीरियड ड्रामा मूवी होगी। कंगना ने बताया है कि कई जाने माने चेहरे उनकी इस अपकमिंग फिल्म का हिस्सा होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कंगना ने कहा, हाँ, इस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं और इसकी स्क्रिप्ट अब इसकी फाइनल स्टेज में है। ये इंदिरा गांधी की बायोपिक नहीं होगी, ये एक ग्रैंड पीरियड फिल्म है। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है जो हमारी पीढ़ी को भारत की सोशियो पॉलिटिकल रचना समझने में मदद करेंगी। कंगना ने कहा, बहुत से लोकप्रिय अभिनेता इस फिल्म का हिस्सा होंगे और जाहिर तौर पर भारतीय राजनीतिक इतिहास के सबसे आइकॉनिक लीडर का किरदार निभाने को लेकर मैं उत्साहित हूँ। कंगना ने बताया कि ये फिल्म एक किताब पर आधारित है। आपको बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी के बाद अभी उनके पास दो बड़े प्रोजेक्ट और हैं। पहली फिल्म है धाकड़, जिसका टीजर और पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुका है। फिल्म में कंगना जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगी। दूसरी फिल्म है तेजस, जिसमें कंगना एक एयरफोर्स अफसर का किरदार निभा रही है। फिल्म में कंगना का लुक काफी पहले ही रिलीज किया जा चुका है। अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।